मैंने ये जो सोशल मीडिया के ऊपर में एक जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि जो काम थोड़ा गलत काम हुआ है वहाँ पर मैकेडम का इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा ये काम अक्टूबर के महीने में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ऑफिस है लेह में एन एच का उ, उनकी तरफ से किया गया था आ, उस समय जब ये काम चल रहा था तो टेम्परेचर अचानक का, काफ़ी डिप हो गया था वो एरिया जो गोमा का एरिया है, जहाँ पर ये काम की बात हो रही है बहुत ही कंजस्टेड एरिया है बहुत नैरो एरिया है और काम करते वक्त बहुत सारी मुश्किल आई हमारे फ्रामने में देखिए जब मैकाडम का काम होता है तो उसको जब नया मैकेडम डाला जाता है उसकी प्रॉपर रोलिंग होनी चाहिए प्रॉपर रोलिंग होने के बाद कुछ समय के वक्फा देने के बाद ही आपको ट्रैफिक अलाउ करना चाहिए तब उसकी लाइफ रहती है लेकिन जब ये काम चल रहा था तो वो इतना नैरो एरिया है कि वहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं है आम जनता के पास ट्रैफिक को पास होने का तो काम के साथ साथ ट्रैफिक भी पास हो रहा था जिसके कारण रोलिंग शायद पूरी तरह से नहीं हो पाई है वहाँ पर करीब हमारे जो स्कोप का काम है जो सेंकशन है वो करीब तीन किलोमीटर का है उसमें से सत्रह सौ मीटर का काम किया गया था और ये जो पोर्शन दिखाया गया है ये करीब डेढ़ सौ मीटर है और इस पोर्शन को हमारे संज्ञान में पहले ही आ चुका था कि ये काम ठीक नहीं हुआ है क्योंकि टेम्परेचर ठीक नहीं था रोलिंग ठीक नहीं हो पाई थी ट्रैफिक को हम रोक नहीं पाए थे तो उस पोर्शन को हमने डिफेक्ट रिपोर्ट में ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने डाल रखा है और कॉन्ट्रैक्टर को भी इस चीज़ की कोई पेमेंट नहीं की गई है जो भी पेमेंट रिलीज़ हुआ है वो सही काम के लिए हुआ है गलत काम जो हमारे ऑलरेडी नॉलेज में आ चुका था उसका कोई पेमेंट नहीं किया गया है अब क्योंकि इस मौसम में तो अब हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो उसको हमने कॉन्ट्रेक्टर को यही कहा है कि अब अगला सीज़न जब वर्किंग सीजन शुरू होगा तो वो पूरा हिस्सा रिले किया जाएगा सही तरीके से रिले किया जाएगा और अभी के लिए जो उखड़ रहा है रोड उसको साफ़ करके अलग कर दिया जाए जिससे कि, कि किसी को भी तकलीफ़ ना हो तो जब वर्किंग पीरियड आएगा नेक्स्ट अच्छा सीज़न जब आएगा उस समय में ये पूरा काम ख़त्म किया जाएगा और सही तरीके से किया जाएगा से ही एक काम का पता चला कि थोड़ा सा काम में दिक्कत आ रही है और गड़बड़ हो रहा है टेम्परेचर हमको नहीं मिल पा रहा है उसी समय काम बंद कर दिया गया था इसलिए देखिएगा वहाँ का जो सेंक्शन था हमारे उस गोमा कारगिल का एरिया में तीन किलोमीटर का काम था उसको हमने पूरा काम नहीं किया है हमने सिर्फ सत्रह सौ मीटर किया है सत्रह सौ में से भी ये जो डेढ़ सौ मीटर है खराब है इसको जब मैंने किया वहीं पर रुकवा दिया जब ग्राउंड पे देखा हमारे ऑफिशियल्स ने अफसरों ने कि भाई काम ठीक नहीं हो पा रहा है और हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और ट्रैफिक भी रोक नहीं पा रहे हैं तो हमने एक इमिडियटली काम बंद कर दिया था कि अब इसको काम बंद कर दीजिए अगले सीज़न में इसको अब टेकअप किया जाएगा कि रोड उखड़ रही है और गुस्सा दिखाना जायज़ है बिल्कुल जायज़ है लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि एन एच पूरी तरह से अच्छे काम के लिए क्वालिटी वर्क के लिए कमिटेड है और लद्दाख की पॉपुलेशन के हित में काम किया जाएगा कोई गलत काम होगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जैसे इस केस में भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया है कोई कॉन्ट्रैक्टर के काम को हमने बिल में नहीं पेमेंट किया है कोई मेजरमेंट नहीं की गई है उसको डिफेक्ट रिपोर्ट में हमने डाला हुआ है ऑलरेडी हमारे रिकॉर्ड में तो गलत काम नहीं करने दिया जाएगा एन एच पूरी तरह से अच्छे काम के लिए लद्दाख के लोगों के लिए कारगिल की पॉपुलेशन के लिए कमिटेड है